खबर बुरहानपुर से है, जहां खालिस्तानी संगठन से जुड़ा युवक गिरफ्तार हो गया है। पाचौरी गांव में अपने रिश्तेदार के घर पर छिपा हुआ था आरोपी। बता दें खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का खालिस्तानी पर आरोप है, तो पुलिस और भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर बुरहानपुर से है, जहां खालिस्तानी संगठन से जुड़ा युवक गिरफ्तार कर लिया गया। पाचौरी गांव में अपने रिश्तेदार के घर पर आरोपी छिपा हुआ था। आपको बता दें खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का इस युवक पर आरोप है, तो वहीं पुलिस और भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बुरहानपुर के शिकारपुर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये आपको बड़ी खबर हम इस समय बुरहानपुर से बता रहे हैं, जहां खालिस्तानी संगठन से जुड़ा युवक गिरफ्तार कर लिया गया। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खालिस्तानी आतंकवादियों की मदद पहुंचाने का आरोप है। खालिस्तानियों की मदद करने वाले फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाहर की पुलिस भी इस मामले में पूछताछ करने आ सकती है। उन्होंने कहा कि खालिस्तानियों की मदद करने का आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी में एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर की भी पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है उससे। बुरहानपुर से मेरे सहयोगी मोहसिन तरवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन, ये बताइए कि गिरफ्तार जो युवक किया गया है, उसकी क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? क्या वो एमपी का ही रहने वाला है या किसी और राज्य से आकर छिपा था? जी बिल्कुल, देखिए ये खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ आरोपी था, जिसको पुलिस ने खरगोन के भगवानपुरा से गिरफ्तार कर लिया। ये जो आरोपी था, ये अपने रिश्तेदारों के घर बुरहानपुर के ग्राम पाचौरी में कई दिनों से रह रहा था। इसको पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद जब आरोपी आज भागने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस ने आरोपी को जो खरगोन का भगवानपुरा है वहां से गिरफ्तार कर लिया। देखिए जो आरोपी है ये एमपी का ही है और ये खरगोन के भगवानपुरा का निवासी बताया जा रहा है। देखिए ये जो गांव है, जिस गांव में छुपा हुआ था बुरहानपुर के ग्राम पाचरों में, ये गांव भी काफी चर्चित गांव है, क्योंकि यहां पर अवैध हथियार बनते हैं, यहां पर अवैध पिस्तौल अवैध हथियार बनते हैं, और यहां पर जो है आरोपी छुपा हुआ था, जिसके बाद आरोपी जब यहां से भागा तो उसके पीछे पुलिस लगी और पुलिस ने उसे खरगोन के भगवानपुरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से अभी पूछताछ जारी है और देखिए जो पूरा मामला है, जो पूरा घटनाक्रम है, जो आरोपी खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ जो आरोपी है, उसको फिलहाल गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया और उसकी पुलिस ने रिमांड मांगी है। अन्य जो भी लोग हैं, जो भी शामिल है इस पूरे घटनाक्रम में, जो जो तार जुड़े हुए, उस तार का खुलासा पुलिस करेगी। और देखिए आप जैसे कि भोपाल से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि इस आरोपी से बाहर की पुलिस भी आकर पूछताछ कर सकती है, तो निश्चित तौर पे देखिए जो खालिस्तानी संगठन से जुड़ा ये आरोपी था, ये अभी फिलहाल बुरहानपुर में पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको थाने में रखा और आगे की पूछताछ अभी फिलहाल जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौसम हमें तमाम जानकारी देने के।